मुट्ठी बांध के आए हो बंदे, हाथ पसारे जाओगे। जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, उसके मुट्ठी बंधा रहता है और जाते समय हाथ खुल जाता है, पसार देता है, खुला हाथ। मुट्ठी बांध के आना, ये नर शरीर मिला है, अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार के प्रताप से इंसान का जन्म होता है। मुट्ठी बांध के आना, मुट्ठी बांध के आना। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षव इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना, शरीर मिल गया तो सच्चे सदगुरु की मिलना, ये भी कठिन है, ये भी कठिन है। और सदगुरु मिल गया, मोक्ष की इच्छा होना, कल्याण की इच्छा होना, ये और भी दुर्लभ है। यहाँ पर मंच में विराजमान संत जन हैं, मोक्ष की इच्छा से गुरु के शरण में आए हैं, और आप सब भी माता बहनें, युवा साथी, वयोवृद्ध भाई लोग सब मोक्ष की इच्छा से शांति पाने के लिए ही इस सत्संग का सहारा लिया है। सत्संग में क्यों आए? केवल शांति के लिए। न सत्संग में धन मिलता है, न और ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन देखने में नहीं मिलता है, लेकिन सत्संग के प्रताप से सब कुछ मिलता है। यहाँ ही खजाना है सत्संग में, बाहर नहीं मिलेगा। सद्गुरु विशालदेव ने कहा है, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, भक्ति किए से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, गुरु की भक्ति, गुरु के सत्संग करने से ज्ञान मिलता है। और धर्म करोगे तो आज भी सुख मिलेगा, आगे भी सुख मिलेगा। धर्म करे ते सुख को भोगे, और पुनः देह धरि जूटे, धर्म के प्रताप से आगे फिर मुट्ठी बांध के आना होगा। ये शरीर छूटेगा, अगला जीवन धर्म के प्रताप से फिर मुट्ठी बांध के आना होगा। धर्म नहीं करोगे, धर्म है तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। परोपकार तीन चीज बताया है, तन से सेवा करो, मन से अच्छे चिंतन करो, अच्छे विचार करो। धन मिला है तो परोपकार में खर्च करो, जैसे यहाँ अभी सत्संग का कार्यक्रम है, चल रहा है, यहाँ पर संत लोग रहते हैं, न उनके पास खेती है, न नौकरी है, न व्यवसाय है। आप सबों ने थोड़ा थोड़ा ला ला करके दे रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इतने लोगों के लिए, सबके लिए भोजन, छाया, सब कुछ मिला रहा है। क्यों? संत जन अपने में समा गए हैं, न खेती की जरूरत है, न नौकरी की, न व्यापार। संतों के काम क्या है?
सेवा स्वाध्याय और साधना बन रहा है, बन सके सेवा स्वाध्याय और साधना में मन लगा करके जीवन जी रहा है। जितना त्याग और वैराग्य संतों में आता है उतना ही समाज रीझ करके देता है। आप देंगे धन से उसी का संस्कार आपको बहुत मिलेगा, आज भी और आगे भी। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ सत्संग हो रहा है, कहा गया 3 दिन का सत्संग है, अंतिम दिन का भोजन भंडारा किसके तरफ से होगा। यहाँ पर बैठे हुए दो धनी आदमी खड़ा हो जाता है, मेरे तरफ से होगा। उस आदमी का तत्काल जयकारा लगाना शुरू कर देता है। धन देने वाला कहते हैं मेरे तरफ से आज कल का भंडारा पूरा पक्का भंडारा, चाहे 50,000 नहीं 1,00,000 रुपए लग जाए जन सेवा में मैं देने को तैयार हूँ। उसके लिए तुरंत कुर्सी आ जाती है, उसके गले में फूलों की माला पहनाया जाता है, उसके नाम के आगे पीछे विशेषण लगा करके जयकारा होती है और उसी के प्रताप से अगला जीवन पुनः मिलता है। आज सुख और आगे भी सुख, आगे आज पुण्य कर रहा, आज भी जयकारा है और जयकारा के प्रताप से, धर्म के प्रताप से आगे भी उसे मिलेगा। तो मुट्ठी बांध के आए हो बंदे, हाथ पसारे जाओगे। देखने में हाथ पसारता है लेकिन पुनः शरीर धर के उत्तम कर्मों का फल उत्तम संस्कार होता है। उत्तम कर्मों का फल उत्तम संस्कार होता है और जीवन को एक बार अवसर मिला है हम सब के लिए। क्या पता कल का दिन हमारे लिए आए कि ना आए, संध्या हो कि ना हो। इसलिए तन से सेवा करो, मन से अच्छे विचार करो और धन मिला है तो परोपकार में खर्च करो। वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से, आनंद महकेगा गुलाब के गुच्छों से। आए अतिथि संत गुरु का सत्कार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग है जहाँ पर दुख का अंत है। दुख का अंत हो गया वही स्वर्ग है। हरदम ही रहता ऋतु बसंत है, बसंत ऋतु। जिसके मन में दुख का अंत हो गया, हर समय हरियाली, हर समय फूल और फल से लदा हुआ उसका जीवन होगा। निर्मल मन मोक्ष का खुला द्वार है। जिसका मन निर्मल हो गया उसके लिए मोक्ष का दरवाजा हर क्षण खुला है, घबराइए ना। इसलिए एक बार अवसर मिला है सभी को, नर या नारी, बालक या वृद्ध, जो चाहे दुख का अंत करना चाहे तो वृद्धों की सेवा करें। घर घर में माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, सबका सेवा करो। संत गुरुजनों का, अतिथियों का सेवा करो, संतों का सेवा करो। बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा, एक बार केवल अवसर मिला है। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। जितने भी नर नारी बैठे हैं सब मोक्ष के पथिक हैं, उसी को नर शरीर मिलता है। जो मोक्ष नहीं पाना है वो सत्संग में भी आया नहीं है। इस गांव के तो आप लोग गणना कर सकते हैं कितने लोग आए हैं, जितना बैठे हैं समाज में उसमें से आधे से ज़्यादा बाहर से आए हैं और आधे से कम गांव का है। लेकिन गांव में इतने जितना बैठे इससे भी ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं, शांति की इच्छा नहीं, दुख से छूटने का कोई मन में जिज्ञासा नहीं, आ नहीं सकते। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ में तन जाएगा ना धन जाएगा ना जन जाएगा, कुछ भी संग साथ जाने वाला नहीं, चाहे जितना भी इकट्ठा कर लो, धन जन वैभव सब कुछ यही छूटेगा। पाप पुण्य जो कुछ करे सो ही साथे जाए। पाप और पुण्य, धर्म अधर्म,
जो करोगे उसी का फल आज मिलेगा और आगे भी मिलेगा जीवन में। इसलिए आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना पक्का है, राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो साधु हो गरीब हो अमीर हो सबको जाना है। लेकिन जाना कैसे? उत्तम संस्कारों की पूंजी जयकारा करते हुए हमारी विदाई हो, ऐसा कर्म करें। कर्म ही इंसान के साथ जाता है। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता हुआ, खुदा खुद आत्मा है, सबके अंदर में बैठा है। जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हैं, वो खुदा देखता जानता है और उसी वही ले जाता है जहाँ जहाँ तुम्हारा कर्म है। हमारा कर्म अच्छा था, हम वहाँ से अपना घर आश्रम से छोड़ करके यहाँ आए हैं। मन नहीं मनाता, मन नहीं बनाया होता, कर्म नहीं करता चलने का, तो यहाँ थोड़ी आ जाते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। इसलिए जीवन एक बार मिला है, उत्तम संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करने के लिए केवल आज ही अवसर है और अभी अवसर है। तन से सेवा करो, मन से अच्छे विचार करो, धन मिला है तो परोपकार में खर्च करो। किसके लिए सोचते हो? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? कोई तुम्हारा नहीं है, वो भी पुत्र भी नाती भी सब अपने अपने कर्मों का गठरी लेकर के आए हैं, उनको भी वैसे ही मिल रहा है, लेकिन तुम्हें कर्म करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए उत्तम कर्मों के संस्कार के भव्य भवन इकट्ठा करके जाए। यहाँ भव्य भवन इकट्ठा करते हैं वो तो थोड़े दिन में छूटना है, पक्का है छूटना, चाहे जितना करोड़ों के लागत लगा लो लेकिन वो भवन छूटेगा। बैंक में जा जितना पैसा जमा कर लो सब छूटेगा। कौन है तुम्हारा? सब परदेश के साथी है, स्वदेश के साथी तो कोई नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही स्वदेश है। इसलिए स्वदेश में हम सब लौटें और उत्तम संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करें।